हाँ नितिन, हेलो हेलो। कृष्णा था बस, थोड़ा यहाँ पे इंटरनेट कंजेक्शन हो रहा है और मैं आउटसाइड हूँ ना, तो पकड़ नहीं रहा एक्चुअली नेट। खैर, हम लोग क्लास तो कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं टॉपिक। तो देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले ना एलोपेट्रिक सक्सेशन, पेरिपेट्रिक, पैरापेट्रिक, सिंपेट्रिक। ठीक है, सक्सेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जेनेटिक जो होता है, जेनेटिक फॉर्म के जो सक्सेशन होते हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं थोड़ा आज का जो टॉपिक रहेगा। तुमको स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सर वॉइस काफी तेज है, अच्छा काफी तेज आ रहा है। अब सुनो, अब भी तेज है क्या या अभी भी ठीक है? अब ठीक है या तेज है बताओ, वॉइस अभी ठीक है या तेज है? ओके, गुड इवनिंग। गुड अविनाश, इतने दिनों बाद दिख रहा है अविनाश। वो अच्छा तो एक सक्सेशन पर सक्सेशन जो कि पैट्रिक है, पैट्रिक है, पैट्रिक है, सिर्फ पैट्रिक है। ठीक है, ये तो पैट्रिक है। सक्सेशन में हो क्या रहा है? ये एक तरीके से हम स्पेशिएशंस पे जा रहे हैं। ठीक है, तो एलोपैट्रिक सक्सेशन का मीनिंग क्या है? सिखा ये जानो। जो होता है जो एग्जाम ठीक आउट नहीं है। ओके, खुद ही क्लियर नहीं आ रही है। तब तो यार फिर इशू हो रही है ऐप में, क्या किया जाए फिर इसका? एवरीथिंग ब्लर। ओके, बिल्कुल ही नहीं आ रहा इंटरनेट पे, मतलब इंटरनेट पूरा ही वीक चल रहा है, फिर इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा है। अब क्या करें, इंटरनेट
इंटरनेट काम नहीं करेगा तो कौन क्या करेगा भाई, बट क्वालिटी इज लाइक ब्यूटी, क्या किया जाए बताओ। इंटरनेट तो लगा रखा है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा तो क्या किया जाए। क्वालिटी 720p कर दी है या फिर भी सर रिकॉर्डिंग भी ऐसी ही आएगी, तो रिस्टार्ट कीजिए एक बार। नहीं, इधर से सही लिख रहा है, इधर से जो चल रहा है ना मेरा पूरा परफेक्ट चल रहा है, प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरी जो रिकॉर्डिंग जाएगी ना वो क्लियर जाएगी, उसमें कोई धुंधली वुंधली नहीं आएगी, क्योंकि ये सिस्टम से रिकॉर्ड हो रहा है ना तो सही जाएगा। हम लिखेंगे कैसे, रिकनेक्ट कीजिए सर, आपका तो दिखेगा ही। नहीं, मेरे को इंटरनेट में भी दिख रहा है, नो सर बफरिंग है, ब्लर ही दिख रहा है। फिर बाबा थोड़ा लेट करके ही क्लास करना होगा, ठीक है, क्योंकि फिर मेरे को थोड़े दूर जाके इंटरनेट को ठीक करके क्लास लेना होगा, ठीक है, तो शायद आधे घंटे से ज़्यादा भी लग जाए, ठीक है, तो आधे घंटे बाद ही मैं तुमसे मिल पाऊँगा। मेरे को कहीं और जाके इसको क्लियर करना होगा, क्योंकि ये इंटरनेट आज का यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, इंटरनेट तो लगा रखा है मैंने। नहीं कोई फायदा नहीं होगा ना, तो 10 से 11 फ्री हो क्या? 10 से 11 10 बजे से 11 बजे तक फ्री हो? अब क्या करें, इंटरनेट कंजेक्शन है। या आज का क्लास रोक दें, कल करें इसको, क्योंकि ये मुश्किल हो रहा है, इंटरनेट इश्यूज हो रहे हैं। अरे ये ऐसे जाता आता रहेगा, बीच में तुम कुछ कर नहीं पाओगे, मुश्किल है फिर। क्योंकि मैं इसको अब रिकनेक्ट करके बेटर है कि कल ही करते हैं, क्योंकि वो बीच में ब्लर हो जाएगा, फिर तुम लोगों को फायदा नहीं होगा। मेरे को तो भाई इधर से क्लियर दिख रहा है, पर उधर पता नहीं क्या इश्यूज हो रहा है। छोड़ दो छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ आज अगर इश्यूज हो रहा है तो छोड़ दो, या करें क्लास, हाँ या ना बताओ। कल ही करते हैं बेटर है, कटक रहा है। हाँ पढ़ाइए, आज पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, क्या क्या है तुम लोगों का? सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं? रीना, नितिन, सुशीला, सबको क्लियर दिख रहा है? ये अभी भी क्लियर नहीं है। नहीं, छोड़ दो, मत करो।
आज का फिर स्थगित करो, कल इसको थोड़ा खींच लेंगे, ये 1.5 घंटा खींच के इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? कुछ अगर ऐसे परसिस्ट हो रहा है, कुछ इशू हो रहा है, तो क्या ही कर सकते हो आप? शायद ऐप में भी इशू हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते हैं, इतना बफरिंग कैसे हो सकता है? हाँ वही सोच रहा हूँ, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। 8 से 10 बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई, 8 से 10 कौन पड़ेगा इतना, 2 घंटे? नौ बजे के बाद ही करो, 9 बजे से पहले पहले, बीच बीच में है सर 8 PM की कोई क्लास प्लेटफॉर्म में नहीं चले। मैं वही जानना चाहता हूँ क्या क्लासेस का टाइमिंग क्या एक्चुअली है, उनमें क्लासेस की टाइमिंग पता होगी तो ही हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अच्छा जिनको क्लास दिख रहा है ना, सुनो ऐसे भी रिकॉर्डिंग बढ़िया ही जाएगा मेरे हिसाब से, जिनको क्लास दिख रहा है ना वो कर लो क्लास, ठीक है? क्योंकि एक एक दिन इम्पोर्टेंट है, वैसे भी कल का फिर 2 घंटे क्लास ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो बेटर है कि मैं पढ़ा देता हूँ जितना हो सके, ठीक है? उसके बाद हम लोग उसको कंटिन्यू कर देंगे, समझ में आ रहा है? जितना हो सके मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है? और बाकी हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे कल, ठीक है? अभी और वेट मत कराओ, ठीक है? जितना हो रहा है होने दो, रिकॉर्डिंग वैसे भी परफेक्ट ही जाएगा, रिकॉर्डिंग खराब नहीं जाएगा, रिकॉर्डिंग बढ़िया ही रिकॉर्डिंग जाएगा। तो इस क्लास को रिकॉर्डिंग से कवर आउट कर लेना, ठीक है? चलो चलते हैं। तो बात करता हूँ मैं यहाँ पे, ये बोल रहा है कि द आइसोलेटेड पॉपुलेशंस देन अंडरगो जेनोटाइपिक और फेनोटाइपिक डाइवर्जेंस। अब सबसे पहला चीज ये बोला कि आइसोलेशन हो रहा है पॉपुलेशन ड्यू टू हैबिटेट फ्रेगमेंटेशंस, ठीक है? एलोपेट्रिक स्पेसिएशन ऑकर में क्या हो रहा है कि ज्योग्राफिक आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू हैबिटेट फ्रेगमेंटेशंस। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि ये ओरिजिनल पॉपुलेशन था कहीं पे लैंड पे था, ठीक है? और अचानक से टेक्टोनिक एक्टिविटी हुआ और इसमें एक गैप आ गया, बैरियर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है? तो बैरियर का जब फॉर्मेशन हुआ तो इसमें क्या हो गया, ये आइसोलेशन में चला गया, ये भी आइसोलेशन में चला गया, एक दूसरे से कभी मुलाकात हुई नहीं। तो इसके वजह से क्या हुआ, न्यू डिस्टिंक्ट स्पीसीज आफ्टर न्यू रेंजेस, कुछ डिस्टिंक्ट स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया, इसको हम बोलते हैं एलोपेट्रिक सक्सेशन, ठीक है? अब इसमें क्या हो रहा है कि जब आइसोलेटेड पॉपुलेशन अंडरगो कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जेनोटाइपिक एंड फेनोटाइपिक डाइवर्जेंसेस दिखता है। एक तो जीन में चेंजेस आ जाते हैं, एक तो फिजिकल फीचर्स में भी चेंजेस आ जाते हैं, फेनोटाइपिक भी वो बोल रहा है, ठीक है? दे बिकम सब्जेक्टेड टू डिसिमिलर सिलेक्टिव प्रेशर्स, दे इंडिपेंडेंटली अंडरगो जेनेटिक ड्रिफ्ट, इंडिपेंडेंटली जेनेटिक ड्रिफ्ट में जाता है, डिफरेंट म्यूटेशन अराइज होता है बिटवीन द टू पॉपुलेशन, दो पॉपुलेशन के बीच में डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस आता है, ठीक है? ये चीज क्लियर रखना। फिर बात आता है तुम्हारा पेरिपेट्रिक सक्सेशन। पेरिपेट्रिक सक्सेशन क्या है, दिस इज ए सब फॉर्म ऑफ एलोपेट्रिक स्पीसीशन। इसमें हो क्या रहा है, द न्यू स्पीसीज आर फॉर्म्ड इन एन आइसोलेटेड स्मॉलर पेरिफेरियल पॉपुलेशन। मतलब देखो क्या हो रहा है कि एक नया स्पीसीज क्या हो रहा है, कोने में फॉर्मेशन हो रहा है नया स्पीसीज का, दैट आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सचेंजिंग द जीन्स, जीन्स का एक्सचेंज नहीं हो रहा है इनमें, ठीक है, विद द मेन पॉपुलेशन, मेन पॉपुलेशन के साथ कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है। फाउंडर इफेक्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट आर कंसिडर्ड एज ए इम्पोर्टेंट ड्राइविंग फोर्स ऑफ पेरिपेट्रिक स्पीसीशन। इसमें ये हो क्या रहा है कि जैसे ही इन दोनों के बीच में गैप बन रहा है, ठीक है, एक आइसोलेटेड नीश बना रहा है, आइसोलेटेड नीश, नीश मैंने पहले ही बताया था, ये ऑर्गेनिज्म का प्रोफेशन प्रोफेशन वाला काम होता है, ठीक है? पहले क्या हुआ कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म था उससे एंटर किया एक नया स्पीसीज, ठीक है, और वो स्पीसीज अगेन आइसोलेट होके एक नया तरीके का सक्सेशन बना रहा है। तो पेरिपेट्रिक सक्सेशन में क्या हो रहा है कि
जो नॉर्मल पॉपुलेशन में है उसके आइसोलेटेड, उससे आइसोलेट होके उसके साइड साइड से निकल रहा है। यहाँ पे क्या था कि बीचों बीच बैरियर बन रहा था, दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा था। यहाँ पे ये दो हिस्सों डिवाइड वाला काम नहीं है, यहाँ पे साइड साइड में फॉर्मेशन हो रहा है और वो टूट रहा है। ठीक है, ये ठीक है। फिर बात आती है कि तुम्हारी आगे चलते हैं तो फिर नहीं, तो फिर से पेरिपेट्रिक है, वही लिखा हुआ है, छोड़ो। आगे चलते हैं तो फिर बोलता है सिम्पेट्रिक। तो सिम्पेट्रिक में क्या हो रहा है कि ऑकर्स ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है विद सिंगल पॉपुलेशन विदाउट ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, मतलब वो एक ही जगह में पैदा तो हुआ है, ठीक है, सिंगल पॉपुलेशन है, ठीक है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो रहा है विदाउट ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, मतलब इसमें कोई ज्योग्राफी में चेंजेस वगैरह नहीं आ रहा है, कोई ज्योग्राफी में चेंजेस वगैरह नहीं आ रहा है। एक मिनट, हिल रहे पिक्चर। तो ज्योग्राफी वगैरह में कोई चेंजेस वगैरह नहीं आ रहा है, इसमें सीधा का सीधा क्या हो रहा है कि यहाँ से टूट के ये एक नया स्पीसीज बना रहा है, फिर एक एडजेसेंट स्पीसीज बनाता है, फिर क्या होता है कि यहाँ पे दो स्पीसीज अलग अलग कनेक्टेड रहते हैं। तो द न्यू स्पीसीज आर जनरली डिसेंडेंट्स ऑफ ए सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज विच ऑक्यूपाइड द सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन, सेम ज्योग्राफिकल लोकेशंस को ऑक्यूपाई करता है। द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ सिम्पेट्रिक स्पीसीशन इज ऑफ सिलसिल्ड्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका इनहेबिटिंग द रिफ्ट वैली लेक्स। बहुत ही सिंपल है, तुमने एक हाइड्रा नाम का सुना होगा, बचपन में सुनने होंगे, ऐसे एक पौधा होता था, उससे एक पौधा कनेक्टेड होता था, वो टूट के बाहर निकलता था। इसका कहानी ही वही है कि एक छोटा सा बेबी टाइप से, जैसे अमोएबा टूटता नहीं है उस तरीके से, ये भी टूटता है और फिर बनाता है। ठीक है, ये तुम्हारा किस में था, पेरिपेट्रिक में था, एक तो पेरिपेट्रिक था एक पेरिपेट्रिक था, पेरिपेट्रिक में ये हो रहा था। सिम्पेट्रिक में क्या हो रहा है कि सिम्पेट्रिक में ये पॉपुलेशन के बाहर नहीं हो रहा है, अंदर ही हो रहा है, उसी जगह पे हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या है कि उसके उसके जीन्स के अंदर ही चेंजेस आ जा रहे हैं। ठीक है, तो उस वजह से तुम्हारा सिम्पेट्रिक है। तो कुछ कुछ डिफरेंसेस समझो, एलोपेट्रिक में बैरियर आएगा, पेरीपेट्रिक में क्या है कि पेरीफेरियल, पेरीफेरियल मतलब सर्कुमफेरेंस से टूट के बनेगा, पैरापेट्रिक मतलब क्या है कि पैरेंटल, मतलब एक पैरेंट होगा, पैरेंट से टूट के डॉटर सेल निकलता है उस तरीके से। सिम्पेट्रिक में क्या है कि उसी पॉपुलेशन के अंदर में जीन का, जीन में बदलाव, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज सिम्पेट्रिक। क्लियर? तो ये तीन चार डेफिनेशंस बस याद रखो, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। हाँ, तो वो सब पढ़े होगे, बडिंग वगैरह, वो जो प्रोसेस है ना, वो सब इन्हीं वजह से दिखता है। क्लियर? अब बात करते हैं तुम्हारा एनर्जी इकोसिस्टम में फ्लो, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम की बात चल रही। तो इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें बहुत ही सिंपल है कि अगर हम बात करते हैं एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, तो फ्लो मॉडल में सबसे शुरुआत कहाँ से हो रही है, सन से ही आ रही है, प्रोड्यूसर में जा रही है। प्रोड्यूसर कैसे बन रहा है अपना खाना, रॉ मटेरियल लेता है नीचे से, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट के फॉर्म में जो मिनरल्स है, इसको क्या करता है फिर प्राइमरी कंज्यूमर में कन्वर्ट करता है, फिर प्राइमरी कार्निवोरस में देता है। बट डेड ऑर्गेनिजम्स जो है वो सबसे बनेंगे, डेड रिमेनिंग तुम्हारा प्लांट से भी बनेगा, प्राइमरी कंज्यूमर से भी बनेगा और प्राइमरी कार्निवोरस से भी बनेगा। ठीक है, फिर सेकेंडरी कार्निवोरस भी डेड ऑर्गेनिज्म बनाएगा, तो फिर डिकम्पोजर्स फिर इसको तोड़ेगा, फिर इसके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो इकोसिस्टम फ्लो है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। दिस इज अ क्लियर कट साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये चीज तुमको पता होना चाहिए कि ये एक क्लियर कट साइक्लिक प्रोसेस है। ओके okay? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ या ना बोलो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? थोड़ा कैमरा का भी इशू हो रहा है, एक मिनट।
गला का इशू। ठीक है, थोड़ा कैमरा का इशू आ रहा है तो कैमरा प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं क्या? हाँ सर, ओके। देखो ये तो साइक्लिक प्रोसेस तुमको समझ में आ रहा है। इसमें दो तरीके के फूड चेन दिख रहे हैं, सबसे जरूरी चीज है। दो तरीके का फूड चेन दिखता है, एक कौन कौन सा है? एक है तुम्हारा ग्रेजिंग और दूसरा है तुम्हारा डेट्रिटस, है ना? दो तरीके के फूड चेन तुमको यहाँ नोटिस में आ रहा होगा। एक है तुम्हारा क्या? ग्रेजिंग, दूसरा है तुम्हारा डेट्रिटस। अब मेरे को ये बताओ कि कौन से टाइप ऑफ फूड चेन में ज्यादा एनर्जी मिल रहा है, ये कोई बताओ। मतलब ज्यादा एनर्जी का फ्लो किस टाइप के फूड चेन में हो रहा है, बताओ। अगेंस्ट डेट्रिटस सब बताओ ना, एक दो बताने से क्या होगा, सबको ही बताओ। अभी भी बचे हुए स्टूडेंट्स बताओ, मैं फिर बताता हूँ। तापस जी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है सर, बताओ। ठीक है, सब लोग तो अभी तक बताए नहीं। रीना वगैरह ये सब है भी ना? मोहिनी, मोहिनी भी है, ज्योति भी तो है, रीना और सुशीला भी तो है। लोग कुछ बोले नहीं, शांत क्यों बैठा इतना, मेरे को नहीं समझ में आता है।
क्या समझ आ रहा है तुमको? कृष्णा बोल रहा है डेटिटस, डेटिटस है तो लिखन कर रहे हैं करके एनर्जी रिलीज कर देंगे देगा ना, तो फिर वहाँ फ्लो हाई कैसे होगा? सर बताओ, तापस जी फूड पेन में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अरे भाई, हम जो पढ़े हैं ना कि एनर्जी का फ्लो, एनर्जी का फ्लो, अब जितना ज्यादा तुम पढ़ाएंगे उतना ही होगा, पढ़ाओगे उतना ज्यादा इश्यूज होगा। किस चीज में इश्यू होगा पता है? जितना ज्यादा टॉपिक लेवल बढ़ाओगे उतना ज्यादा इश्यू कहाँ होगा तुम्हारा? जितना ज्यादा ट्रॉब्लम बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा इश्यूज होगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि ये है, टू लेवल है एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ट्रॉफिक लेवल में होगा, इन्हीं दो ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कम डिस्ट्रीब्यूशन होगा तुम्हारा उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, उतना ज्यादा ज्यादा एनर्जी का मीनिंग क्या है? ज्यादा एनर्जी का है कि वो कम पड़ रही है, ज्यादा पड़ रही है, ये ट्रॉफिक लेवल कितना ज्यादा है एक फूड चेन में उस। तो डेट्रिटस में डिकम्पोजर से तो सीधा का सीधा वो क्या बन के वो यूज आ रहा है, सीधा का सीधा रॉ मटेरियल बन के वो यूज हो जा रहा है। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं ब्लर की वजह से। ओके, वी हैव टू कंडक्ट टुमारो, कल ही पढ़े हम लोग। मैं तो बोल रहा हूँ कि ज्योति और ये सब जबरदस्ती कर रहा है कि सर पढ़ा दो, नहीं पकड़ भाई लटके जा रहे हैं। फाइनल आज या कल फाइनल बताओ भाई। फाइनल बताओ, फाइनल क्या करें? नेटवर्क इशू हो रहा है तो
ओके सर, कल ही करते हैं यार, बेटर रहेगा। नेटवर्क थोड़ा हॉचपॉच हो रहा है, अनस्टेबल हो जा रहा है, छोड़ दो है ना। करेक्ट है, छोड़ दो छोड़ दो। कुछ कर नहीं सकते हैं, छोड़ दो इसको, कल ही कंटिन्यू कर देंगे। कल कर देंगे कंटिन्यू, छोड़ दो। तुम लोग जाओ, गुड नाइट।